भाई वाह, हो गए तेरी चप पूरी। भाई साहब खुली भाई आ रखे हैं जयपुर से। भाई का एक बार बहुत पहले फोन आया था जब जयपुर मीटअप हुआ था जयपुर से। भाई ज्यादा लगाव है मेरे को, कल भी एक भाई आए थे जयपुर से, आप आ जायो। क्या नाम भाई आपका? मारुति इसारिया। भाई नाम तो बड़ा डेंजर है तुम्हारा। और भाई आपका क्या नाम है? शिवम बियाला। शिवम बियाला, आप कहाँ से भाई? फतेहपुर सेकावटी जिला सीकर राजस्थान। भाई ये भाई मेरे लेके आए ये वाला स्केच, ये देख लो भाई, स्केच बहुत बढ़िया स्केच बना। भाई किस नाम चैनल है आपका, आप स्केच बनाते हो ना? दीपाइन स्केचर नाम से चैनल है और ऑर्डर दे सकते हो मेरे को। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, भाई वो जिसको बनाने उस स्केच तो भाई को ऑर्डर दे सकते हैं। और भाई की वो है कॉमेडी वाली वीडियोस बनाते हैं भाई, मारवाड़ी कॉमेडी फतेहपुर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ऐसे मत सोचना कि मैं नींद में हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत वीक है। तबीयत भी ऐसी वीक है मतलब रात को ना मेरे, मैं ना हुडी पहन के सोया हूँ रात को, रात ना ऐसा सीन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना जाडा लग रहा है, जिसको जाडा का मतलब नहीं पता मेरे को, ऐसा लगा कि मेरा ना ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, हाफ बाजू टी शर्ट में था मैं। उसका रीज़न भी मेरे को पता लग गया कि मैं शाम को जो गर्म पानी से नहा के एकदम से बाहर गया ना जिम में ठंडे में, और फिर वापस सर्द गर्म वाला सिस्टम हो गया, उसके चलते बुखार नहीं चढ़ा मेरे को, बुखार नहीं चढ़ा। मम्मी तो कल देखेगी इस ब्लॉग को, भाई मम्मा बुखार नहीं चढ़ा मेरे को, बस ठंड लग रही थी, ठंड के चक्कर में थोड़ा बॉडी पेन वगैरह था, बट बुखार नहीं चढ़ा इतना मेरे को पता है। सुबह उठा मगर सुबह तो ठीक है, भाई यार आ रखे थे जयपुर का रहा सीकर थे, राजस्थान सीकर थे, इतनी दूर तक आ रखे थे, मगर चलो भाई भाई यार से मिलना जरूरी है। तबीयत ज़्यादा खराब, मैं सो रहा था, वे 6 बजे आ गए सुबह, यार 6 बजे थोड़ी आ जाओगे यार, समझ रहे हो, 6 तो उठता ही नहीं कोई, तो मेरी आँख खुली थोड़ा लेट, पीछे पलाट वलाट बैठे थे भाई पापा के। तो अब आज का सीन बनाना, लक्ष्य अर्चित एक बार आ रहे हैं, मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाने का जी ना कर रहा, पता ना क्या हो रहा, मतलब मौसम बदल रहा मेरे साथ, तो उसी की वजह से हो रहा। एक बार खाने का पूछ लेता हूँ मम्मी से, उसके बाद खाना खा के फिर निकलते हैं। एक बार आज बैडमिंटन खेलने भी ना गया, डीपी का फोन आया था, उन्होंने कहा भाई कैसे चलोगे, नहीं चलोगे? मैं कहा भैया हमारी तबियत खराब है, एक बार दवाई ले लूँ उसके बाद ले चलो, मुझे जहाँ मर्जी लेकर चलना है। तो अब एक बार मैं खाना खा लेता हूँ, फिर देखते आगे क्या प्लान करना। अच्छा अब हम उठेंगे, राजा आदमी उठेगा अब है। मैं कह रहा हूँ क्या बना रखा, मटे खाने का, खाटे का साग मत बोल दियो गलती। ना ना ना, अब तो मेरा जी ना कर, मैं थक ली। तो क्या बना रखा? खाटे का साग। बताओ ना, एक्टिंग नहीं, जल्दी बताओ क्या बना रखा। मुझे बना रखा है दलिया। हैं? सब्जी वाला दलिया। मतलब? चटपटा, मतलब सारी सब्जी वब्जी डाल के। ये तो बीमारों का खाना है। खा के तो देख एक बार। अच्छा फिर कमेंट, पुलाव है लाओ, हम भी तो देखें। हाँ कैमरे पे रहेगा, देखे सही आपको पुलाव, आपका झूठ का झूठ अभी पकड़ा जाएगा कि क्या बना रखा। अगर सच बोल रही होंगी तो, सच बोल रही होगी तो भाई अपने पैसा ले लियो भाई, अब क्या है। जाओ ले आओ, दो थप्पड़ खाने पड़ेंगे तो ले। चलो दो थप्पड़, तीन थप्पड़ मार लेना मेरे, बस ठीक है, लेके आओ अब खाना, जाओ चलो। अगर मान ले ना हुआ पुलाव तो तू मेरा क्या करेगा? आ गई ना अपनी वाली पे, ये देख लो चोर को ना बना रखे कोई पुलाव उलाओ। अच्छा तो लेके आ जाओ, बहुत दूर है ना 101 किलोमीटर है यहाँ से, घूम के जाना, जाके लियो भाई ना पाएंगे मुझे ना लगा भाई, सुनना बना रखा कुछ भी भाई, मम्मी ना बना रखा कुछ भी, मम्मी ने बना रखा मेरा बेवकूफ। अब एक बार देखते हैं ना, इतने एक्टिंग करी है ना कि क्या बना रखा, एक बार नू देख लेते बना क्या रखा। ये तो पुलाव ना है, खा के तो देख है, खा के तो देख, इसमें तो चावल ही ना है, खा के तो देख। अरे खा के का चावल ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने तेरा, ब्रेकफास्ट तो बनाया था, पर आपने अभी ऑन कैमरा कही है कि पुलाव, अगर ये पुलाव ना निकले ना अभी। अरे मतलब अभी कह रही है पुलाव है? हाँ तो खा के तो देख। ओफा कोई कॉन्फिडेंस देख लो यार, यो वो है उपमा, उपमा क्या कह रहा है, चख के तो देख, अच्छा ना लगे ना हम बाहर खाने चलेंगे। अरे यार मम्मा ये देख, टेस्ट करके देख एक बार। हैं? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, आपने करके देखे? हाँ कैसे? हाँ लिए तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा, कुछ नया भी टेस्ट करना चाहिए। नया तो ठीक है, छोटे वाले चावल, छोटे वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार खा के तो देख लो फिर मैं। हाँ ओके भाई, ये चावल तो ना है ठीक है, ये कुछ और है, और ये वो है, ये तो ओट्स है मम्मा, खा के तो देख, ओट्स है, पनीर वो रखी एक बार, चलो छोटे चावल, इसमें ना चावल का चाय भी ना है। तू खा के तो देख फिर बता ना, अक्की है तू, इतना वो बने शेफ अपने मन में चखने के वाला। यो क्या है, तो अजीब सा है कुछ, कैसा है खाने में पता ना, अजीब सा है, फिर अजीब अजीब पुकारने लग रहा। अरे मतलब मैंने कभी खाया नहीं ना ये भाई, पता नहीं मेरे को कैसा है, ठीक है ठंडा है, तो रायते के साथ तो ना इतना गर्म तो करके लाए, इतना तो ठंडा ना है, रायते के साथ तो गर्म खाओगे तो फिर गर्म सर्द होती डाल देगी। आप तो कह रहे थे पाव भाजी बनाओगे, सच में थक गई। यो बनाने में थक गई मैं तो। तो मसाला ओट्स है, बेकूफ बना दिया मेरा, कोई बात ना चलो खा लेता हूँ ओट्स। मम्मा मान भी तो ना रही, झूठ भी तो बोल जाओ ऑन कैमरा, अब क्या करूँ। जब मैं कह रही भगवान का जो ओट्स ना है,
चलो कुछ और होगा। हाँ। कुछ क्या है नाम, नाम बता खा ले। नाम बता दो इसका। दलिया है। दलिया आयो ले भाई, मैं कह रहा था ना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। वगैरह डाल कर जब बनाया है गाजर गोभी और ओके बोले कर झूठी पकड़ लिया झूठी हो तुम शिमला मिर्च झूठे हो तुम। हाय गाइस, हाय गाइस, रेडी रेडी फॉर द एडवेंचर? यस। हैं तो आज और रजाई में सो जाओ मेरी, आज और एडवेंचर कराता हूं तुम्हें डंका। दोनों करा तू इकट्ठा? वो तो मैं कराऊंगा ना फिर। हां तू ही तो है जो उल्टा साइड हो जा। मुझे पता क्या लग रहा है, कल से मतलब जो स्पाइडरमैन 2 है ना, पावर चली गई हमारे पास से, वो स्पेशल पावर्स। कौन सी है स्पेशल पावर? को कंपनी को इंसेंटिव दे तो काट दिया। अच्छा सर्विसेज, अच्छा वो चली गई आपकी कॉइन। लग रहा मतलब यूं जाला नहीं फेंक पा रहा मैं। ओहो जाला नहीं फेंक पा रहा, चल तेरा जाला ठीक करवाएंगे। स्पाइडरमैन बन गया आम इंसान। सुपरमैन रहे आम इंसान बना दे जो बैटमैन। मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात। सुनो। मम्मी ने सुबह सुबह पता मेरे था क्या खाने दिया, गैस करो चलो क्या खाने दिया। भाई साहब बेस्ट खाना यार बताओ। ब्रेड बटर? नहीं भैया बेस्ट भाई, ये तो वो है वर्स्ट। बेस्ट बेस्ट और तो आंटी और आंटी साग घाटे का। नहीं भाई तो मैं लेके आया हूँ। तू लेके आया? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? लाया रखा उस में, मतलब बना उड़। हाँ। अभी अभी गरम। अच्छा जी, अरे यार मोटे रोटी खुआ दे उसने, मोटन दलिया बना रखा सुबह। मजा आ गया। अरे अरे ना भाई, दलिया भी खाना चाहिए। अरे गुथरिया मेरे है, मेरे तक गुथरी। मैं अभी ला रही हूं, चक्के बताइए और झूठ मत बोल रही बेटा। बिल्कुल भी पता लग गया होगी दलिया के शौकीन कितने। कोई नहीं, मम्मी लेकर आ रही दलिया, पता लग जाएगा। अभी दूध का दूध और पनीर का पनीर। झूठ को बोलेगा पंडित जी, हमारे झूठ नहीं बोलते। वो खा रहा था, ओ बेकूफ मत बना वे, साढ़े मार हुआ वो खा परली साइड वाला। टेस्ट बना ले, हाँ ले खा 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 पूरा तो खास आले। अभी तो अंदर भी ना गया, मुंह में दर के नुकरा सही तो है। तू खा ले भाई। अरे सही है वैसे तो कोई दिक्कत ना। नुकरा तू खा ले अभी, सुनी भाई गाइस सुनी, नुकरा तू खा ले भाई। इसका मतलब ये है कि खान लायक ना, ये तो डस्टबिन आदमी, कुछ भी खा ले। बेस्ती करने की मशीन बना रखी है तीनों के तीनों। ओ ऐसा कुछ ना बनाया क्यों आपने? आप तो इडली सांभर बनाते इतने बढ़िया। अरे मैंने पता क्या क्वेश्चन पूछा, नुकरा मम्मा मोटा इधर से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, नुकरा आपने बनाया क्यों है? क्या मजबूरी पड़ गई? क्या मजबूरी पड़ गई? हाथ पैर दन हो गए, कट गए, क्या हो गया? ऐसा ब्रेकफास्ट सही है, कोई बात नहीं है। ऐसा ब्रेकफास्ट इट इज गुड बट इन हॉस्पिटल्स। या एग्जैक्टली घर के अंदर नहीं बनाया। आंटी ने तो कल एकदम से कचौड़ी खाई। मोटे तो इस घर का हॉस्पिटल तो ना बना देगा। तो ये दलिया लेकर आ रहा, इससे बड़े मैं मीठा बना लेती इससे। तो कुछ भी बनाती पर हमारा बेवकूफ तो ना बनाती कम से कम। आंटी वाली बात है, कल इतनी टेस्टी कचौड़ी खिला दी आज ये। तो नहीं वे करे, पहले दिन थोड़ा हैवी खा लो, अगले दिन थोड़ा हल्का खा लो। अच्छा ये तो पहली बार, ये शास्त्रों में लिखा हुआ? पूछ ले किसी से भी, कमेंट में भी आ जाएगी। हां भाई कमेंट में बता दो गाइस, भाई डस्टबिन बोलेगा भी डस्टबिन। यार कमेंट में एक बार मैंने कह दो अर्चित डस्टबिन। ना ना चुप 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 चुप, नीच अर्चित डस्टबिन। सारी चीजें खानी चाहिए, सारी चीजें खानी चाहिए। तो खा ले कर चिकन फिर। वेज? अच्छा वेज खानी चाहिए भाई, शाबाश वेज लौंडा हमारा। तो शुक्र है लक्ष्य आ गया और अर्चित भी। ना तो मैं वो खाना पड़ता भाई मेरे को, क्या कहते हैं उसे, नहीं नहीं रोटी नूनी, रोटी और नमक। तुम्हारे घर में जब कुछ ना रहा, रोटी और नमक खावे। रोटी नूनी घी चटनी और चाय, चाय चटनी रोटी, मतलब जो भी है नॉर्मल खाना पड़ता मेरे को, जो गाय भैंस खाए करें कभी कभी वो खाना पड़ता। पर शुक्र है भाई हमारे आ चुके हैं वो लेके खाटे का साग। खाटे का साग वैसे आ तो स्वाद बना भाई। पहली बार खाऊंगा खाटे का साग जिंदगी में, तो देखते हैं कैसा बना रखा हूँ। पहले इनके घर का तो पहली बार ही खाऊंगा, कैसा बना रखा हूँ, कैसा बहुत कड़वा बना रखा। ओ माय गॉड, देखते हैं अभी कहाँ के पता लगेगा वो, तो किसके कहने से तो मैं मानता नहीं। भाई मैंने छोटा सा टूक में साग लगा लिया है लक्ष्य का, अब मैं चख के बता दूँ। मम्मी कसम खा रहा हूँ, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, अच्छा लगेगा अच्छा बता देंगे, बुरा लगेगा बुरा बता देंगे, ठीक है? वैसे दूसरे घर का खाना मुझे मस्ती लगेगा, बट स्टिल सस्पेंस बना रखा। ना मोटे इसको खिला के पूछ कैसा लग रहा। तेन खाया लगा है? हाँ भाई बहुत बढ़िया बना तभी। ओ बहुत अच्छा, जेनविनली बहुत अच्छा, ठीक है मोटे खा ले अभी से ले जा। अभी पर खा ले तो बहुत बढ़िया बना रखा, नो डाउट खाएगा। अरे खाएगा मेरी गैल, रोटी मेरे तो खाई ना जाएगी पूरी, पर गैल खवा ले। अरे बहुत बढ़िया बना रखा है आंटी, देखे व्लॉग्स? ओ माय गॉड सो सॉरी, सो सॉरी। ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में ना खाया, इतना मस्त।
बेस्ट, मेरी मम्मी तो कुछ ना है, यो कुछ ना है, जा चल दिखमा इधर। लक्ष्य की मम्मी का खाना क्यों खाना भाई, जिसने खाना लक्ष्य घर के चले जाओ, इसकी मम्मी बेस्ट। लक्ष्य मैं कपड़े पैक कर दूं इसके, मुझे गोद ले लो आंटी, मुझे गोद ले लो। मैं लक्ष्य की मम्मी तो कह रही हूँ और खुआ ले, सब्जी अच्छी है, मैं थारे घर ही भेज रही हूँ इसने। यो देख लो आ रहा हूँ, मैं खुद ही आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। नहा धो के ऑल सेट, पर अब तुम अरे शोर मचा लो, वो बजा लो, रील्स चला लो रील्स, ठीक है, रोस्ट करना क्या छोड़ दे, रील्स देखने लग गए बच्चे। मैं कह रहा हूँ और ना मैंने सेम कपड़े पहन लिए, अब तुम कहोगे अलीस भाई तुम क्या तो झूठ बोल रहे हो, ना ही नहीं हो या फिर कुछ और सीन है, या तुम पे कपड़े नहीं है भाई, देखो उड़ेगा ना एक दिन में कुछ बिगड़ेगा भाई, अंदर का चेंज करना होता ना, अंदर का तो कर लिया, देख लो ये देख लो ब्लैक कलर की पहन ली तो बस है ना, और कच्चा भी बदला मैंने, चेक कर सकता तू, तेरे को तो आदत भी है चेक करने की, अरे बेशरम, अरे भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि कच्चा बदला हुआ मैंने। चलो कोई नहीं भाई, एक बार जा रहे हैं जुबिली के घर पे, फिर जाएंगे ट्रैम्पोलिन पार्क, यार मेरी तबियत ना है ट्रैम्पोलिन पार्क वाली, यार मजा आ जाएगा, वहाँ पर छोरी भी तो मिलेगी, चल मुझे नहीं पता पर वजन बढ़ाने को गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ हमारा जानवर, कोई बात नहीं भाई हम ठीक है यार, कहा हम मुझे लगा ऐसे करके भाई काट लो करके मेरी निकलवाओ, हमें तो पता ही नहीं था, मुझे अपनी सर्विस और गाड़ी खरीद, तेरी मशीन की सर्विस भी तो करवाएंगे अभी। चलो जी एक बार निकलते हैं, ये देखो सामने यो भी तो छोरा किसी का गाड़ी निकलवाने खड़ा है भाई, भिड़ जाएगी गाड़ी तेरे चक्कर में, भिड़िए ना बेटा बहुत मारूंगा चीज, अम्मा खुजा रही है अपने अपने हाथ खुजा रही है भाई, ट्रैफिक में कड़े जो भाई तुम्हारे घर से आने तक तो बहुत ट्रैफिक लगा यार, इस ट्रक के क्या हो रहा साले, कैसे टेढ़ा कड़ा आ जाओ, कोई नहीं देखी जाएगी, हरी बत्ती नहीं होगी क्या, ओ यार कुछ करना झाड़ फूक सिस्टम कर यार कुछ यार प्लीज़ यार, खुलवाओ इस बत्ती को, ये गर्मी में ऐसे ऐसी हो पड़ी है, आज का मौसम रिपोर्ट खुद दे, चल तू दे आज मौसम की रिपोर्ट, ऐसे रख के बैठे कर जब मेरे घर बैठे ननू बैठे कर, ठीक है ऐसे गियर पकड़ ले, गियर पकड़ और कुछ मत पकड़, मौसम की रिपोर्ट कर दूँ, मौसम की रिपोर्ट दे कुछ बढ़िया सी जल्दी दे दे भाई, क्या ही बोलूं ये यार ये बालक है, बता जल्दी आज का मौसम कैसा, बढ़िया सेक्सी ना है, ये तो देख लो गाइस, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तू प्यार ना कराएगा मेरे से के ऐसा के कुछ करना है क्या, ओ शिट भाई ये तो चिपटना चाह रहा मेरे, मैं नहीं चिपटा सकता अर्चित भैया आपको भाई, मौसम की रिपोर्ट हम देंगे, मौसम है बहुत गर्म मेरे शरीर की तरह, बुखार है मतलब मेरे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा बुखार है, वहां पे जाके एक बार गोली लूंगा, ओहो साइड में ना बस देख लियो उस लड़की ने हमें देखते हुए, मतलब हमारी नजर उस लड़की की नजर से भिड़ गई, अर्चित की सॉरी बेइज्जती हो गई भाई। अज्जू भाई के घर पे पहुंचा, अज्जू भाई कहाँ भाई, सो रहा है अज्जू भाई, सो रहा और मेरा चढ़ गया बुखार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बुखार चढ़ा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर गर्म हो रहा था, मतलब वही बुखार चढ़ रहा था तो मैंने भाई दवाई ले ली थोड़ी सी, मैं कई बार लेके देख लेते तो अभी अगर उतर गया, अगर मैं ठीक हो गया इसका मतलब ये था कि मेरा बुखार चढ़ रहा था, पब्लिक है यार तू वो अपन थर्मोमीटर लेके चेक ही कर लेता ना कितना था तेरे बुखार, मैं जोत में तबियत खराब थी, दवाई लेके थोड़ी देर में ठीक हो गया, बाहर आंधी चल रही भाई, मेरे उस दिन सर्द गर्म होगी जब मैं जिम गया ना, नहा के निकला ठंड में उसके चक्कर में होगा, तो कितने दिन में ठीक होऊंगा मैं, थोड़ी देर में हो जाऊंगा, माय गॉड ये 600 mg की है, चलो भाई अब तो फिर दो मिनट में ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक नहीं हुआ अभी अभी ठीक नहीं हुआ गाइस, हो जाऊंगा पर मैं अभी ठीक, ओ भैया मुझे ठीक कर दो भैया, ट्रैम्पोलिन पार्क चलो ना, कुछ कूद कर आएंगे यार, कल चलेंगे आज मेरा थोड़ा सा वो है, क्या है, अरे बालक नूनू हिल जा कोई, अच्छा पेट में पानी हिल रहा है क्या, बालक है, अच्छा पेट में बालक, सारे चलेंगे फिर, चलो यार फिर जिम ना जाए, फिर उसके बाद तो आज तो भाई मेरे थोड़ा बुखार चढ़ रहा, कल चलेंगे, अरे वहां मैं देख लूंगा ना, कल भला काम करना है ना, खाओ कैसे रुक गया भैया, खाओ पूरा वाड़ दो एक बारी, पूरा मुंह में ले लो एक बार में अंडा अरे यार अंडे की कह रहे हैं और किसकी कहेंगे यार, यार यार तू तो बहुत हराम आदमी भाई, मैंने तो अंडे की कही यार, अब हम आधा तो कर खा लेंगे, इमेज बदलना आधा 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 तू मुंह में ले ले अर्चित, आधा भाई तू गोली खा ले, गोली तो खा उसके मुंह में, गोली तेरी कसम ये मोटी गोली ले खा ले, भाई का प्यार नहीं खा रहा है, भाई का प्यार है, गोली खा ले पूरी,
भाई वाह मैं ले ली पूरी गोली खट्टी अच्छा नगली लक्ष्य था तो मुझे उम्मीद भी है जलती हुई तनाव से हाँ तो ऐसी उम्मीदें होनी भाई जितनी शैतानी हो रही है उसके पीछे ही वो शैतान है मैं तो पता नहीं किसी शैतान के पीछे हूँ तुम भूत कैसे है भाई तुम भूत कैसा है अरे मेरे में ना है भूत ये देखो अभी वो खा रहे थे मोती चूर के लड्डू तो ये भूत की तो कौन रहे भाई चलो तो टाइम से चल लो अरे चलो मैं तो भाई खुलती हूँ कितने बजे बंद होती है 7 बजे अभी तो भाई मस्त मजा आ रहा और क्या दक्ष ब्रो आर यू कमिंग मैन ओ यार दक्ष भाई हमारी कल पार्टिसिपेट भी तो ना करा हमारी कहला अब यंग ग्रुप में लो भैया चलो चप्पल पहन के चल चप्पल पहन के चल चप्पल ओ वहां अभी जा तू तो थोड़ा पड़ने को अपने चप्पल देंगे और ओ भाई वाह मौज कर दी अज्जू भाई वो दे दे कुछ तो दे ही दे पर अज्जू भाई मारन साले ने ना ना मार मारो कोई दिक्कत ना इसका सिर फोड़ दो ओह माय गॉड ओह माय गॉड ठाके फेंक दे अज्जू ने पूरी पार्टी निकल चुकी है इलेक्शन लड़ने को अब की बार है लुशियार नो मैं ये बोलने का नहीं है भाई हम कोई बात नहीं अब हम जा रहे हैं भाई ट्रैम्पोलिन पार्क उछल कूद करने मेरी तबीयत भी पहले से काफी बुरी है देखते हैं तो एक वन अरे भूत है वहां के अंदर से मन कर रहा हूं चल कूदने का मन कर रहा हूं बाड़ के खेलने वाला आ रहा छोटा वाला लग रहा है के मेरे अंदर मैं कहा बंबू कहां है बंबू इज मिसिंग रोड पे बंबू रोड पे हां ओहो बेचारा बंबू रोड पे है यार कोई नहीं बार रोड से बंबू उठा लेते हैं गाड़ी में टाके फिर चले ट्रैम्पोलिन बंबू बहुत लंबा है वो वाला अरे वो बंबू नहीं छोटा बंबू गलती इंसानों से ही होती है अपनी गलती तो बता दो पहले मेरी गलती ना तेरे घर वालों की गलती बता दूं गलती तो नाम की है अब पता क्या मिलेगी सजा देख लो सजा यहां से सीधा ठीक है भाई देख बहुत ऊपर आ चुके हैं मेरी गलती होगी कि मैंने ना एड्रेस नहीं पढ़ा वो गलती से मॉल के अंदर बढ़ गया बट वो ना मॉल से अलग जगह है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं है कहाँ वो तो बता जहाँ से 1 मिनट दूर है भाई गाड़ी से 1 मिनट दूर है नीचे पहुँचती गल आ जाएंगे भाई पैदल क्यों चलना है गाड़ी से चलेंगे अरे ना मतलब पार्किंग का रुपया भी तो दे रखे है ना तो चलते एक बार आओ भाई जुराब दे दिया हमको एक जुराब तो पैर लिया है दूसरी जुराब पैर लेता हूँ फिर जाएंगे अंदर चले जाएंगे कुछ अड़कू साढ़े बहुत मारूंगा तुम जान तो मार दो आते इसमें मारी ना कोई टाइमिंग भी है सावास यहाँ फेंक दे इसमें फेंक दे भाई वाह इसका साड़े का कुछ लगती भाई वाह हीरो ही पड़े हो शाबाश मार मार साढ़े सिर में मार ये तो देख लो सर्क सर्कस वालों को तो देख लो अर्चित में कूद गया ओह अर्चित तो मर चुका गाइस अर्चित तो दब के मर चुका यार ये देखो जिसको नहीं दिख रहा मेरा भाई मर गया है तो ठाके फेंक दे जूने ठाके फेंक दे यार जबरदस्ती करनी चाहिए तेरे को यार इतनी प्यार से थोड़ी पूछते हैं बढ़ जाना इसमें पेट बढ़ जाए इसका जूए भाई करके दिखा ये देखे भाई जो है ऑब्स्टेकल पार करियो इसको वहीं गिर जावे तू तो भाई पकड़ना मैं करके दिखाऊं मैं पहले तू करके दिखा ये बात मेरी है कितना तेज आया हूँ मैं मार मार अपनी मर्जी पूरी कर ले तू तो जैकेट उतार दो भाई नंगे हो जाओ शाबाश मैं तो ऑलरेडी नंगा हूँ कोई बात नहीं चलो भाई मार के मारे मार मत दियो वैसे घुसंड पुसंड मारा करता है अज्जू के ना ना वैसे ना मारना जॉइंट मारना चलो जी 1 2 3 HH भाई थोड़ा तेज लियो हां भाई देखो सोरा पहले का उस पे देगा मारा चल 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 च
प्लान पकड़ लिया ओ भाई चिपट जाना जा इसके ओ यार चीप कैसे पड़ जा यहां से धक्का मार के लगा के नहीं चपट जा हां भाई डील देगा कि नगर एक बार मेरे को उठा लेना फिर उसके बाद जो तेरे को करना वो कर लियो कपड़ा में सी पैंट उतार चल चलो 1 2 अरे डर रहे यार ये अरे कुछ ना कर यार ही इज हार्मलेस कुछ ना होगा यो प्लान था क्या ये तो गंदा प्लान था यार पूजा 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 उनको खा लिया बैठा चल भाई भाई वाह होगा हो गया तेरी इच्छा पूरी होगी अब देख छू मैं वो कर चल 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 वो जा इसकी पैंट तू पर खींच मेरे पीछे वो पैंट फट गई फट गई खड़ा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा सावास नाइस कमर नाइस बाल कमर के पकड़ ला साड़े ने हाथ जोड़ रहा ये देख लो गाइस ये देख लो वे आ रखे गांव के बालक आ जान जब ट्रैम्पोलिन पार्क में तो ऐसे ही करें ये देख लो सावास अर्चित दे मारी इसने मैं भी जानवर हूँ काफी वही आ रहा ओह माय गॉड व्हाट इज दिस यार भाई रात का सीन दिखाऊं तुम्हें यहां पे जो रात में मतलब कि अभी लाइट बंद करके यहां पे जो ग्लो कर रहा सिस्टम दिखाता हूं भाई वाह असली हरकत भी तो पकड़ ली इसकी रात में गलत चीजें करते हुए भाई पूरा जुराब क्यों चमक रही तुम्हारी जुराब चमक रही थी अभी यार ये नियॉन कलर चमक रहा हमारी जुराब क्यों चमक रही अभी तो चमक रही थी उसकी चमक कोई दिक्कत ना है भाई जो भी है सिस्टम तुम देख रहे हो ना जिसको भाई को आना है यहाँ पे गुड़गांव से जो भी है या फिर दिल्ली से जहाँ मर्जी से आना चाहता मैं बताता हूँ भाई जगह का नाम है सुपर इंडिया ट्रैम्पोलिन पार्क और एड्रेस है इसका गेट नंबर 1 RD मॉल है जो गुड़गांव का इसके पास है बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका एड्रेस तो वहाँ से देख लेना ऐसी जगह भाई जो अभी दिखाई हमने उछल कूद करके सेम ऐसी मिलेगी कुछ अलग ना मिलेगा तो मैं कभी तुम्हें सोच रहा कुछ वैसा बट नाइट का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ऑल ओके भाई अगली बलाई हूँ ऊपर तो जाकर नीचे कूदना जाली जुड़ी में तो निकट गए यहाँ तक निकट आएंगे करके दिखाई कोई सा एक तो करके दिखाओ पहले मैं ही आ रहा हूँ चलो ऊपर आ रहा हूँ मैं ओ माय गॉड नाइस म्यूजिक नाइस सीढ़ियाँ अब चल रहे हैं ऊपर भाई मेरे सिर ना लग जा कर यार थोड़ा हाइट ओ ओ ओ ओ माय गॉड ले भाई कौन था बम्बू बम्बू ना रहे मजे बार बार कूद रहे हैं जाए ना जा रहा किसी पे डर लग रहा है कि बड़े पहले डर लग रहा है हाँ ओके ओ भाई तो डेंजर चीज है यार डेंजर जाओ ना भाई डर लग रहा है रेडी उल्टा भाई भाई कैसे करना पहले पहले बोल के जाओ क्या बोल के जाऊँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ भाई तुम्हें प्लेटें दिख रही हैं ये हमने सैंडविच उधेड़ दिए मतलब इसने खेलने के बाद लगेगी तुम्हें भूख अपने डंग तक काकू का ना भाई ना इतना भी खा के मत आना कदम 5 प्लेट तो खा के मैं इतना भी मत खा करना कदम उल्टी लग जाए खा के अब खेल नहीं रहे ना अब जा अब तो जा निकल रहे हैं अब तो बस निकलने का टाइम हो चुका सब चीज़ें चल रहे हैं अपने वापस भैंस ऐसे करें जब वो ऐसे 8 बज रहे भाई और जिम की वो ना मेरी आसंग ये भूत है ना जो खुद चल खुद जिम में जाता तेरे भूत तार दूं चल मैं कह रहा हूँ उछल कूद कर ली उछल कूद कर लिया और अब गाड़ी छेड़ रहे हो वे बाड़क ना रहे हैं वे बाड़क ना रहे हैं छोटे छोटे अपने पापा मम्मी गल बैठे रहे मैं उनको कुछ कह भी ना सका छेड़ते रहे सारे बटन है वो है वो ना रिश्तेदार के बाड़क रिश्तेदार के बाड़क जिनते कुछ कह वो तो मामा मामी तो रिश्तेदार ना है क्या
इनकी रिश्तेदारी कुछ अलग होती होगी, हमारे तो रिश्तेदारी मामा। तो भाई वो वैसे काम पूरी गाड़ी छेड़ दी। अभी एक बार लक्ष्य का वेट कर रहे हैं, लक्ष्य एक बार अंदर गया है। अभी तनु मीटर में देख लगा गया तू? मीटर में देख लगा अपनी गाड़ी के? क्या हो गया मेरे मीटर में? एडब्लू नहीं तो और क्या? अच्छा ओ भाई इको मोड पे करो, एवरेज चाहिए मैं तो भैया, एवरेज से एवरेज निकाल ली गाड़ी की, स्पोर्ट मोड पे लगा दी पागल। अज्जू बिल्ली विद गैंग को कर दिया हमने ड्रॉप गाइस। अब हम तीनों निकल चुके हैं सैर पे। कहाँ पे जा रहे हैं हम? शिमला, नैनीताल चले, नैनीताल धर्मशाला, जहाँ मर्जी देखेंगे चल देंगे। अभी हम जा रहे हैं घर अपने। मेरी थोड़ी तबीयत सी वैसे डाउन हो रही थी क्योंकि मैंने दवाई ले रखी थी ना, उसके बाद से अब उसका असर धीरे धीरे कम होगा। घर जाऊंगा एक बार रजाई में लेट के चेक रजाई में लेट के चेक करूंगा कि क्या मुझे बुखार तो नहीं। देखेंगे घर जाके, लग तो नहीं रहा वैसे अभी तक तो, बट आंख थोड़ी बारी बारी सी हो रही है। टॉनिक नु कह रहा, टॉनिक पी ले, टॉनिक ले भैया, पिया टॉनिक पिया तो आज कैमरे पे टॉनिक ही पिया था। हम देखते टॉनिक क्या, टॉनिक भी बनाना पड़ेगा, बना ले टॉनिक, बना ले हमें पियागा टॉनिक। तुझे ना पियाते टॉनिक? एक बूंद कॉफी उस टॉनिक की। ओ माय गॉड, तो मेरा टॉनिक ना देखा तेने, सूंघती पागल हो जा, छोड़ अब क्या है बोली। थगी घोड़ी थगी, ओ ओहो मार रही है वो, हो रही है कटकनी। मित्रों द गैंगस्टर सी पागल भी होगी घोड़ी तो आज चलो चल गए। भाई घर वापस आए, रजाई में बढ़ रहा हूं, और मतलब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा लग रहा कि मेरे को ना ठंड लग रही थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को ठंड लग रही थी जैसे आपको लग रही इस टाइम ठंड, सच्ची बताना। तो मैंने भी रखे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि रजाई में घुस जा छुप जा। टेम्परेचर मेरा बुखार चेक होएगा अभी, देखो ना ये चेक कर ले, देखते कितना या है भी या नहीं है। भाई टेम्परेचर आया अपना 98.7, मतलब एक एक पॉइंट का मेरे फीवर है मम्मा। ओह उदास हो जा यार बिल्लू तू तो यार। उदास की बात है, ध्यान ही ना रखे अपना, ना कोई नहान का टाइम है ना कुछ है, ना आगे ना ठंडे हवा में निकल जाए, वो लखन आएंगे तेरे ये, अबे डोले जाओ चक्कर काटते। ओहो अब काम भी तो करना पड़ जाएगा, इंगे उंगे पानी भी तो पकड़ना पड़ जाएगा मोटे को। हाँ ना जब तू ठीक था तो जब तू खुद ही कर लिया करता सारा काम, आए अभी चलो यही से धोकर रखो। ये भी तो काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उदास हो गए क्या आप? तो गोली दोगे नहीं दोगे? नहीं अभी ना दो, अब तो मैं वैसी दवाई दूंगी। रजाई में बटना भी सोचे तो रहा हो भी इसका कुछ अभी वहाँ वो करके आया तू कुछ। एक पॉइंट के बुखार इज नॉट बुखार, वो ऐसे ही अप डाउन चलते रहता मम्मा यार। तो भाई एक बार आज मम्मी ने बना रखा है दाल चूरमा, कहते मेरे तक खोआ वन कहते इसमें घी है इसके अंदर, तो ऐसे नहीं खा सकता, बुखार चढ़ रहा गला खराब हो जाएगा। देखते हैं ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म, बस खा कई दिन तेन कह रहा ना मेरे पेट में गड़बड़ पेट गैस की वजह से तेरी दिक्कत हुई। अरे फिर गैस ही घोषित कर दिया यार, पब्लिक कमेंट कर कर पागल हो जाएगी कि एलविस भाई तुम्हारे बहुत गैस बनती है क्या, तेरा बना गैस मोटे, मेरा तो ना बनती गैस यार। मतलब कुछ और इल्जाम लगा लो पर गैस बन रही, गैस के तो बहुत गंदी बीमारी है भाई, गैस वैस नहीं बनती भाई, पेट में वैसे ही दर्द रहा है, मौसम बदल रहा है। तो भाई व्लॉग को यहीं पे खत्म करते, दाल चूरमा खा के अपना सो जाऊंगा, इसके अंदर बढ़ जाऊंगा रजाई के अंदर। कहाँ की रजाई? अंबाड़े की। मेरा आगे तो तू हद होवे ना, अब फिर तू के अंबाड़े की 70 बार तो बता ली अंबाड़े की है। हाँ तो ले रजाई ना हुई, देख इसका छोड़ चढ़ रहा है। एक्चुअली मेरी चिंता करती है कि कहीं ज्यादा पैसों की दवाई ना खरीदवा दे। कुछ ना है, दवाई तो भैया किसी खाने बिना चाहिए, मौसम ऐसा इस वजह से मम्मा ऊपर नीचे होते रहता है। अरे यार पेट पकड़ रखा गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है सब्सक्राइबर। तुम उस दिन मैं कह रहा था ना मैं क्या यार डेली ब्लॉग नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल रहा हूँ, देखो बीमारी में भी निकाल रहे, देखो क्या लोगे मोटिवेशन मेरे से। ठीक है लाइक कमेंट शेयर।